शादी एक ऐसा शब्द जिसको सुनते ही लोगों के दिल में बैंड बजने लगता है और सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिलती है। किसी को शादी देखने की खुशी होती है तो किसी को शादी नाचने की, किसी को शादी करने की खुशी होती है तो किसी को शादी कराने की। तो ऐसे ही एक शादी होती है मेरे गांव में, तो चलिए आपको वहां लेके चलते हैं। वो दिन था 16 मई 2024, शादी का दूसरा दिन यानी हल्दी। तो दोपहर के 12:30 बज चुके थे, मैंने जूते पहने, तैयार हुआ। और बैग पकड़कर मैं निकल गया घर से। और चाचू के दुकान से मैंने ले लिए दुल्हन के कपड़े जो उन्होंने सिलाने को दिए थे। यहाँ से जाएगा पार्सल। और अपने बाड़ी वाले रास्ते से होते हुए मैं निकल गया अपने मंजिल की ओर। शादी में पहुंचने से पहले मैंने सोचा क्यों ना इंट्रो शूट कर लिया जाए। तो मेरा इंट्रो कुछ इस तरह से रहता है। सो हेलो जी, नमस्कार जी, जोहार संगवारी हो, क्या हाल चाल है आप सब के? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम पर व्यस्त होंगे। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है हमारे गांव से, और अभी मैं चल रहा हूँ शादी में। सो आप सबका भी स्वागत है अनीता मासी के शादी में। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट आपको मिलते हैं शादी में। इधर है अपना बैग रखा हुआ है, चलो पहुंच गए हैं। यहाँ पहुँच कर मैंने नाना जी के साथ कर ली थोड़ी सी मस्ती। इधर सब नाचने में व्यस्त थे तो मैंने सोचा अपने दोस्तों से आपको बाद में परिचय कराऊंगा। थोड़ा सा वीडियो शूट करने के बाद मैं भी नाचने चला गया। पहले आप ये डांस वाला वीडियो देखो, फिर आपसे मिलते हैं। ये लोग शादी घर में न्योता पहुंचा रहे हैं। गांव में कोई भी खाली हाथ शादी देखने नहीं आता, इसलिए जिससे जो बन पड़ता है वो लेते आता है। गांव के शादियों में आपको कुछ इस तरह से माहौल देखने को मिल जाएगा। जेब भले ही खाली हो लेकिन खुशी सबके चेहरे पर झलकती है। इनसे मिलो, ये हैं गोपू और सूर्या, मेरे लंगोटिया यार। काफी भीड़ थी, मजा भी आ रहा था,
इसलिए नाचते नाचते कब शाम हो गई पता ही ना चला। फिर हम आ गए इस ढोड़ी से पानी चुराने। ये भी शादी का एक रस्म होता है जो कि दूल्हे या दुल्हन के भाई बहनों द्वारा पूरा किया जाता है, और इसी पानी से दूल्हे या दुल्हन को नहलाया जाता है। ये है गोपू पानी चोर यानी दुल्हन का भाई। वापस आकर सबने एक साथ खाना खाया, फिर उसे पचाने के लिए सब नाचने चले गए। और अंदर में चल रही थी मेहंदी का रस्म क्योंकि सुबह बारात आने वाली थी। रात का माहौल कुछ इस तरह से था, पूरा मंडप भरा पड़ा था, सबने बहुत इंजॉय किया। सुबह बारात आ गई, फिर थोड़ी मस्ती हमने बारातियों के साथ कर ली। आओ दिखाते हैं। गाइस बारात पहुंच गए हैं और अभी हम लोग चल रहे हैं। ओह माय गॉड, इधर दो फुट ममाओ तो ले ही कसम आ गया। बारातियों के साथ मस्ती करने के बाद हम चले गए बारात पेर खाने। ये है दूल्हा ग्रुप और ये है दुल्हन ग्रुप, और अभी सब चल रहे हैं खनियाल में। इधर हो गई बारात पिरघाने का रस्म और वापस आकर दूल्हे को मड़वा छुआया गया। उतने में एक आइसक्रीम वाला पहुंच गया, हमने भी लाइन लगा दी, फिर आइसक्रीम खाकर अपने जलते इंजन को ठंडा किया। हमने तो आइसक्रीम खा ली,
अब दूल्हे को उसके सालियों द्वारा भाजी खिलाया जा रहा है। बारातियों से ढेर सारी मस्ती के बाद हम तैयार होकर आ गए मंडप में और यहाँ शादी का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। फेरे के बाद वरमाला और सिंदूर बंधन के साथ विवाह संपन्न हो गया। लेकिन गांव में सिंदूर बंधन से पहले क्या होता है आप देखिए। देख भाई दाऊ का बड़ी झील का देख ले, लेंगड़ी है, छुट्टी है, पानी है, कोरी है, तो देख ले बे तब सिंदूर ला बन नहीं तो कहीं चला नहीं जाने पुता का हम ला सिखावे सिखावे बाहर जाता ले भाई दाऊ का निंदा कर दे, सास ससुर का निंदा कर दे, तो सब गलती हुई देख ले अभी से बच रहा है। देखो शादी तो संपन्न हो गया मगर अब भी कुछ चीजें बाकी है। ये है दुल्हन की माँ जो दूल्हे दुल्हन की पैर धो रही है। ये कौन सा रस्म है मुझे नहीं पता, आप कमेंट करके बताओ। उसके बाद इधर होता है समधी भेंट, आइए आपको दिखाते हैं। देखियो समधी पत्थर रहे किसो कछुआएंगी कछुआएंगी अतुमन पिया का विकरण तो मसाला डाली नहीं है लाल लाल कस लागे फिरी कर हरे हो फिरी कर समधी भेंट के बाद हुआ गिफ्ट सेरेमनी। सबने अपना अपना गिफ्ट दिया लेकिन ये दूल्हे का साला झोले में क्या ला रहा है आओ देखते हैं। ये क्या है? मैं तो जाई रे मम्मा। हवा दे मम्मा। माचिस घर गोपी माचिस एक फुट मारी जगह सटवा मम्मा सटवा एक फुट एक के फुट एक हो गो। एक बार देखते चलो सारा बाकी।
आते। स्माइल स्माइल देखो पाल दांत रिगिंग करी। सब कार्यक्रम खत्म हुआ, अब दुल्हन की जिम्मेदारी दूल्हे के घर वालों को दिया जा रहा है, फिर दूल्हे को गृह प्रवेश कराया जाएगा। आप आगे देखिए फूला फला। फिर हम आगे दूल्हे के बहनों को अपना गांव घुमाने, फिर शाम होते होते दुल्हन की विदाई हो गई। आओ दिखाते हैं।